ये हमारे आज का कर्म है कि आज हम इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं। शपथ करते हुए हम आज ऐसी जगह के ऊपर जाकर बैठे हैं जहाँ लोग हमको एक अलग नजरिए से देखते हैं, हमारे बारे में अलग अलग तरह की बातें करते थे। आज वो भी सियासी पार्टियों की मजबूरी हो गई है कि हमें दावत देकर बुलाया जा रहा है। आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र के अंदर हलचल हो रही है, जो खेल खेले जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, किस रुख दर्पण बदलेगा, कोई बता नहीं सकता। आज दिन भर मुंबई में मीडिया वाले पीछा कर रहे थे और यही पूछ रहे थे आप क्या, तो हमने यही कहा है कि हम तो अकेले आए थे, अकेले हैं और इंशाल्लाह अकेले ही लड़ेंगे। वहां किसके साथ जा रहा है, कैसा क्या कर रहा है, ये उनके लिए है, हमें तो अपनी ताकत बनाए रखनी है। पिछले कुछ दिन पहले जब डॉक्टर अफ़ज़ल कादरी साहब के साथ, असद साहब के साथ बातचीत हुई थी, उसी वक्त ये तय हुआ था कि 25 तारीख के दिन असद साहब औरंगाबाद आएंगे और एक जलसे को मुखातिब करेंगे। इतने दिनों के अंदर चूंकि बहुत कुछ हलचल चल रही थी, इस वजह से हमने इस बारे में आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन 25 तारीख के लिए महज 3 दिन बचे हुए थे और 3 दिन के अंदर हमारे को वो सब कुछ करना है जो दूसरी सियासी पार्टियां 15-15 दिन पहले कर लेती है। और जैसा उस वक्त हमने बताया था कि एक सियासी पार्टी का जलसा हुआ, उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ा जलसा लिए है, दूसरे ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा है, तो उस वक्त ही हमने कहा था इस और सुनार की रहेगी तो एक लोहार की रहेगी। और अब उसे देखते हुए हमको ये सोचना है कि हम क्या सचमुच में हम इन 2 दिनों के अंदर वो मेहनत कर सकेंगे, वो जलसे को पूरी तरह से कामयाब बना सकेंगे। बारिश का मौसम एक हकीकत है, उसको नजरअंदाज हम कर नहीं सकते। असद साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि इलेक्शन का बिगुल जो है वो औरंगाबाद से बजाया जाए और उसी के तहत हम जो औरंगाबाद का जो जलसा लेने की बात कर रहे थे, उसी वक्त वफा कादरी साहब का सुझाव आया था कि हम इसको एक हमारे जितने भी रीजन के मराठवाड़ा के जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर्स है, पदाधिकारी है, उनको भी बुलाएं, और सिर्फ उनको बुलाए नहीं, उन्हें भी पूरी ताकत के साथ जिस तरह से हम चलो मुंबई का नारा दिए थे, हर गांव से हर शहर से लोग गाड़ियों के ऊपर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ताली भी हमारा एक औरंगाबाद से मुंबई का सफर रहा। ऐसा ही कुछ हम औरंगाबाद के अंदर करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर जो हुआ, उसके बाद से पुलिस बहुत ज्यादा हरकत में आई है। जैसे ही एप्लीकेशन गया तो मुझे सीपी साहब का भी फोन आया कि साहब ये रुला रहा ये और अगर जलसा लेना है तो हमारे को ये तय करना है कि हम कितने बड़े लेवल के ऊपर कितने अच्छे तरीके से पूरे प्लान तरीके से हम कर सकते हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी कि चूंकि अब इलेक्शन कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं, तो हम मशवरात के लिए भी हम सोच रहे थे कि लेडीज के लिए भी अगर इंतजाम करें, क्योंकि असद साहब को सामने वाले देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हमारे घर की जितनी भी हमारी माएँ बहने हैं उनकी भी ख्वाहिश रहती है, और जो पैगाम लेडीज के जरिए जाता है वो कुछ अलग ही असर रखता है। हमने इस बारे में भी सोचा था। हमारी
यही एक बात है कि मैं असद साहब से अभी दोपहर में बात की और मैंने कहा कि असद खाली साहब ने आज मीटिंग कॉल किए हैं और उस मीटिंग के अंदर लोग इसी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो जो काम चल रहा है उसका कल से हम लोग अभी से ही उसके लिए हम लगता है हम शुरू हो जाए और बाकी जो जो लोगों को जरूरत थी कि चलो मुंबई के टाइम पे किसी ने नांदेड़ की, किसी ने परभनी की, जालना की, लातूर की, उस्मानाबाद की, उकेर की, ये जिम्मेदारियाँ ऐसी चीज तैयार करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम को अंजाम देना है। मेरी उम्मीद यही है कि बहुत वक्त के बाद असद साहब का जलसा होने जा रहा है। अकबर साहब आए थे तो एक मिशन के लिए आए थे, एक नेक काम के लिए आए थे और वो नेक काम की बुनियाद वो लाकर चले गए, लेकिन उनके आने से ये हुआ कि उस नेक काम की बुनियाद का जिक्र कहीं पर भी नहीं हुआ और इनसे रहमतुल्लाह का जिक्र ज्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ पूछे रहते हैं कि हमारे अंदर से क्या मिला ताकि इनकी दुकान चलती रहे। ऐसे हालात के अंदर हमारे को बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लानिंग करने का क्योंकि वक्त का तकाजा है और वक्त के तकाजे को देखते हुए हम लोग बहुत ताकत के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। जो जो भी सुझाव आए हैं मैं पूरे सुझावों को गुजरने की आप लोगों के सजेशन आए हैं उसको बहुत अहमियत देता हूँ। अच्छे सुझाव बहुत अच्छे सुझाव इसके अंदर आए हुए हैं। एक बात ये भी है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ की बॉडी बर्खास्त की गई तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली। मैं ये कहूँगा कि देखिए इम्तियाज जलील जिंदगी भर के लिए है तो ना खासदार है ना आमदार रहेगा। हम हटेंगे तो ये आएंगे, ये हटेंगे तो वो आएंगे, वो हटेंगे तो वो आएंगे। हर एक का नंबर आने वाला है, हर एक को मौका मिलने वाला है। एक कार्यकर्ता बनकर हम लोग एक पार्टी से चाहने वाले मोहब्बत करने वाले उस नजरिए के साथ हमको ओहदे की हमारे नजरों के अंदर कोई अहमियत नहीं रहनी चाहिए। पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने खड़े रहना चाहिए और आप लोगों ने ये कहना चाहिए मुझे ओहदा मिले या ना मिले मैं मजलिस के साथ था हूं और यही जज्बा है जिसने मजलिस को आज इस मुकाम के ऊपर लेकर आया। यहां तक अगर इम्तियाज जलील दिल्ली में जाकर बैठता है तो ये इम्तियाज जलील की वजह से नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। आपका चेहरा बनकर आपकी आवाज बनकर जाता हूं, इसमें फख्र की बात है हमारे लिए। महबूबुर रहमान साहब जो प्रेस नोट निकाली गई थी प्रेसिडेंट का जब नाम डिक्लेयर करना था उसके अंदर उनकी पहली ही लाइन ये थी कि हम तमाम अपोजिशन के सेक्युलर पार्टी से जितने भी लोग हैं हम लोगों ने यह तय किया है। आज उनकी जबान से हमको यह सुनने को मिल रहा है कि मजलिस एक सेक्युलर जमानत है। हम जब बोलते थे तो कोई सुनने को तैयार नहीं था, ये तो बहुत कट्टर है, ये तो जातिवादी है, ये सिर्फ एक बात समझती है, एक ही भाषा में बात करती है, एक ही जाति के बारे में बात करती है। आज उनको ये बोलने के ऊपर मजबूर होना पड़ा कि हम तमाम सेक्युलर अपोजिशन पार्टी ने ये फैसला लिया है और उसने मजलिस का भी सिग्नेचर उसके अंदर आया। मेरी सिर्फ आप लोगों से यही इल्तिजा है कि हम लोग जो डॉक्टर साहब ने अपने शुरुआती बयान के अंदर बताया है उसके जरिए हम लोगों को काम पर लगना है। कल पुलिस कमिश्नर साहब ने उसे दरखास्त की है कि आप हमारे साथ थोड़ा सा बैठ के उसको डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा करना है करके, तो वो कल उसके बाद ये कर लेंगे। असद साहब को भी मैंने बताया कि मीटिंग होने के बाद हम आपके साथ बात करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से अपनी तैयारी है या नहीं है, आप लोगों के मुझसे मुझे सुनना है। कोई तैयारी के साथ बस यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस जलसे को हम सब मिलकर कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।